बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद अब अरमान मलिक ने अपना पहला इंटरव्यू दिया है। हालांकि कई तीखे सवाल अरमान को पूछे गए, अरमान अभी भी इस भ्रम में है कि जिस प्लेटफॉर्म पर वो गए वहां पर उन्हें बहुत सारा प्यार मिला था। मुझे लगता है कि अरमान की शादी के बारे में और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में शायद लोग पहले इतना नहीं जानते थे, लेकिन बिग बॉस में जाकर इस बारे में लोगों को और पता चला। और यहाँ अगर मैं अरमान का कमेंट बॉक्स देखूँ तो उनके ब्लॉग्स पर भी उन्हें बहुत ज़्यादा जो है हेट कमेंट्स और ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि मुझे लगता है जो शो में चीज़ें हुई बाहर चीज़ें अलग होती हैं। अब यहाँ रणवीर ने उनको एक बात बताई थी कि कई एलीट क्लास लोग भी तो ऐसा ही करते हैं, पर उन पर कोई सवाल नहीं उठाता। अब रणवीर की यही बात को अरमान हथियार बनाकर यूज कर रहे हैं। उनका एक इंटरव्यू और उसमें कहा कि आपकी दो शादी, कहते मुझे ये बताओ कि कौन दो शादी, अगर बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स ने दो शादियां की हैं तो क्या उनसे सवाल पूछे गए हैं? उनके दरवाजे तक भी जाकर दिखाइए, अगर कोई जाता भी है तो सेल्फी लेकर वापस आ जाता है, पर उनसे ये सारे सवाल कौन करता है? तो हम जैसे हैं जो हैं, हमने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, और जो भी कृतिका का और पायल का बॉन्ड है वो उन दोनों ने अपने आप बनाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने बनवाया हो, उनका अपने आप बॉन्ड है, अंडरस्टैंडिंग है और उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैंने ये बात घर के अंदर भी बोली थी कि भगवान भी अगर नीचे आ जाए तो हमारे परिवार को तोड़ नहीं सकते, और यही बात मैं फिर से बोलता हूँ। तो यहाँ पायल ने व्यूज की खातिर जो झूठ बोला था तलाक को लेकर, अलग होने वाली बात को लेकर, वो बात उन पर उल्टी पड़ी और ये बात लोगों को समझ में आई कि ये गलती करते हैं। बिग बॉस के घर के अंदर जाकर अपनी लव स्टोरी को इतना सुनाते हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने पता नहीं अपनी लाइफ में कितनी बड़ी चीज अचीव कर ली, और जब पायल बाहर आ जाती है तो पायल अपने व्यूज के लिए फिर एक और नया झूठ शुरू करती है, जहां पर वो बार बार अपनी हेडलाइंस बनाती है कि मैं अलग हो जाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए। और अब जब उनसे यही सवाल पूछे जाते हैं सारे, तो इनको बुरा लगता है। तो यही बात जो है, अगर आपने अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है दो शादियों को, मुझे लगता है कि एक बात शायद अरमान को समझाई गई थी कि ये सवाल कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अगर उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसको एक्सेप्ट कर लिया और खुश है, तो बिग बॉस में चाहे उन पर सवाल उठे बाहर उठे, उन्हें डरना नहीं चाहिए और खुलकर ही जो है जवाब देना चाहिए। तो अब उन्होंने ये कहा है कि अगर बॉलीवुड एक्टर्स कर सकते हैं तो उन पर कोई सवाल नहीं उठाता, तो हम पर क्यों उठाए? मतलब रणवीर जी से वो एक चीज तो समझकर बाहर निकले हैं और उनकी ही इस बात को वो हथियार बनाकर बैठे हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पर, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा।